रेडियो सिटी 91.1 एफएम पे मैं हूं करण आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो पे है रफ्तार विद हिज न्यू सिंगल सेफी मरवा के ही मानेगी सिटी 91.1। थैंक यू, नमस्कार, मैं रफ्तार। सर, तो आपका ये जो नया गाना है, जब आप बना रहे थे, जो आपने वर्डिंग सोचा, हुक लाइन बेबी बात की मानेगी, तब सर मतलब जो पिच करने वाले थे किसी को कि ऐसा गाना बना रहा हूँ, कितनी दिक्कतें पड़ी कि ये क्या गाना बना रहा है? बिल्कुल दिक्कत नहीं पड़ी यार, मतलब मेरे को इनफैक्ट व्हेन पीपल स्टार्टेड रिएक्टिंग टू द नेम इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि ओह ये तो टेंजेंट ही दूसरा है। सी जनरली क्या है, वी राइट सॉन्ग्स ऑन डेली लाइफ, राइट? हमको मतलब मेरा कोई दोस्त बोल देता है भाई गाड़ी तेज चला, जल्दी से पूछना, मैं कहा मरवाएगा क्या यार। दैट इज हाउ आई टुक इट एज की उस गाने की अगर अपने लाइनें देखी हो कि बेबी मुझे अपनी जान की कसम, पिया नहीं विस्की बियर या रम, कभी कार में ना पी, कभी बार में ना पी, फिर भी साथ में खड़ी है मेरी बेबी मरवा के मारेंगे। सो आई वाज लाइक कि शॉट्स पिलाएगी या कुछ करवाएगी, एंड देन इट वाज लाइक कि ना तेरी कार में आई है, ना तेरी कार में जाएगी, ना तेरे बाप का खाती है, ना तेरे बाप का खाएगी। मतलब ऐसी लड़की के चक्कर में पड़ेगा और उसको परेशान करेगा तो भाई वो पिटवा भी सकती है, खुद भी मार सकती है। सो बेसिकली इट वाज अ सॉन्ग फॉर ऑल द इंडिपेंडेंट लेडीज आउट हियर हु गो टू क्लब्स, हु ड्रिंक, बट इट्स नॉट, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका बूफे मिल है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं आपकी जब इंस्टाग्राम पे कुछ फीड देख रहा था, बिकॉज आई फॉलो यू, आपने एक ट्विटर अपना शेयर किया था कि लोग फुकट में झगड़ा लगा रहे, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या हो गया था एग्जैक्टली? मैं पहली वाली ट्वीट नहीं पढ़ पाया था। बेसिकली क्या है यार, कंपैरिजन हम नहीं करते आपस में, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ था। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, मेरी बादशाह भाई से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी हनी से लड़ाई थी, खत्म हो गई है। आई हैव ग्रोन अप, ही हैज ग्रोन अप, एंड वी हैव डिफरेंसेस खुद ही सॉर्ट हो गई, वक्त के साथ हो जाता है। तो हमारे को लड़ाने में लोगों को बहुत मजा आता है, बिकॉज लाइक पॉलिटिक्स, अगर मोदी और केजरीवाल दोनों नहीं होंगे तो आपको पॉलिटिक्स में मजा कैसे आएगा? डिबेट इज अबाउट द फैक्ट कि हु इज बेस्ट, तो वैसे ही लोग करते रहते हैं, अपन कुछ डालते हैं वच्ची, उसके विषय बढ़ जाते हैं, क्या करें अपन। लास्ट वन एंड हाफ इयर्स आई सी रफ्तार एवरीवेयर, सारे ऑलमोस्ट कितने गाने आपने गाए, दंगल हो गया, डिशरूम हो गया, ये सिंगल आ रहा है, क्या बदला है या लास्ट एक डेढ़ साल में आपके लाइफ में, डू यू थिंक? मैं एक पहली चीज ये समझ चुका हूँ कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, तो आप कुछ भी निकाल लो। मेरे अलावा जैसे गाने के नीचे गालियां पड़ती थी यार, मदर नेचर मैंने गाना निकाला था, उसके नीचे गालियां पड़ती है। आप कंपैरिजन की बात कर रहे थे, कुछ अच्छा गाना भी निकालते तो उसके नीचे आता है यू कांट बी बेटर देन बोहेमिया, और इट्स वाइस वर्सा, उनके पेज के नीचे जाके लोग लिख देते हैं कि रफ्तार ते तो बढ़िया हमको आपस में कोई रंजिश नहीं है, पर सबकॉन्शियसली ऐसे लगने लग जाता है, कॉम्पिटिशन की फीलिंग लोग पैदा कर देते हैं। पर मैं उन चीजों से बहुत दूर हो गया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता तो, क्योंकि दो लोग गाली देते हैं उसके ऊपर 100 का प्यार आता है, वो दब जाते हैं, अपने को तो सिर्फ प्यार दिखता है ना। इट्स इन द मासेस। वी हैव रफ्तार सिंगिंग हिज न्यू सिंगल बेबी मान की मान। मुझे अपनी जान की कसम, मैंने पिया नहीं विस्की बियर या रम, कभी कार में ना पी, कभी बार में ना पी, फिर भी साथ में खड़ी है मेरी बेबी मरवा के मानेगी। लवली लवली सर, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, थैंक यू सो मच सर, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू।